तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। लेकिन परिचय, सरकार को तभी कानून बनाना पड़ता है जब सामाजिक बंधन ढीले पड़ जाते हैं। कानूनी डंडे से सजा का भय दिखाया जाता है। इधर ऐसे कई कानून बने हैं जिनका उद्देश्य परिवार में सुख चैन लाना है। ऐसा सोचा गया कि घरेलू हिंसा निषेधात्मक कानून बनने पर घरेलू हिंसा समाप्त होगी, पर सच तो यह है कि इन कानूनों से सामाजिक समस्याएं कम नहीं होती। फिर भी कानून बनने आवश्यक हैं। पारिवारिक परेशानियों के लिए कितनी बार कोई कचहरी जाए, कोर्ट का काम परिवार चलाना नहीं है। हर परिवार में पुलिस भी नहीं बैठाई जा सकती। कानून का डंडा भय उत्पन्न करने के लिए है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी मानती हैं कि महिलाएं ही महिलाओं पर अत्याचार का पहला कारण होती हैं। यदि महिलाएं तय कर ले कि जिस घर में महिलाएं हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, तो सब कुछ बदल सकता है। उनका मानना है कि समाज में महिला की स्थिति बदल रही है और आगे भी बदलेगी, लेकिन 5000 साल की मानसिकता बदलने में वक्त लगेगा। हमें घरेलू हिंसा के ग्राफ में बढ़ोतरी दिख रही है। अभी तो महिलाओं पर अत्याचार के मामले और बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इसका कारण यह है कि महिलाओं में जागरूकता आ रही है और ज्यादा महिलाएं शिकायत करने पहुंच रही हैं। लेकिन शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी सजा मिलने की दर बहुत कम है और सिर्फ 100 में से 2 लोगों को सजा मिल पाती है। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार 3 साल प्रताड़ित होने के बाद 1000 में से 1 महिला ही शिकायत दर्ज करवाने पहुंचती है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून अमल में आ गया है जिसमें महिलाओं को दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाएगा क्योंकि केवल भारत में ही लगभग 70% महिलाएं किसी न किसी रूप में इसकी शिकार हैं। घरेलू हिंसा विरोधी कानून से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकेगी। अब बात बात पर महिलाओं पर अपना गुस्सा उतारने वाले पुरुष घरेलू हिंसा कानून के फंदे में फंस सकते हैं। इतना ही नहीं, लड़का न पैदा होने के लिए महिला को ताने देना, उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना या लड़की के न चाहने के बावजूद उसे शादी के लिए बाध्य करने वाले पुरुष भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। इसके तहत दहेज की मांग की परिस्थिति में महिला या उसके रिश्तेदार भी कार्रवाई कर पाएंगे। महत्वपूर्ण है कि इस कानून के तहत मारपीट के अलावा यौन दुर्व्यवहार और अश्लील चित्रों, फिल्मों को देखने पर मजबूर करना या फिर गाली देना या अपमान करना शामिल है। पत्नी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना भी इस कानून के दायरे में आता है। इसके अंतर्गत पत्नी को पति के मकान या फ्लैट में रहने का हक होगा, भले ही ये मकान या फ्लैट उनके नाम पर हो या नहीं। इस कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में जेल के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। लोगों में आम धारणा है कि मामला अदालत में जाने के बाद महीनों लटका रहता है, लेकिन अब नए कानून में मामला निपटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब मामले का फैसला मैजिस्ट्रेट को 60 दिन के भीतर करना होगा।